नमस्ते एंड वेलकम, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। और लीजिए, एक बार फिर से शुरू हो चुकी है आपकी और हमारी गपशप, अरे मतलब आपका फेवरेट शो बॉलीवुड गपशप, जहाँ होता है आपका बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि भाई बॉलीवुड की जो खबरें होती हैं वो थोड़ी रॉकिंग और थोड़ी शॉकिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमा, हम अभी क्या हैं ये बताएं, क्या हमारे दिल में है। कुछ ऐसी ही देशभक्त की लहर दौड़ रही है सीरियल मैडम सर की हसीना और उसकी पूरी टीम पर। जी हाँ, देखिए वैसे तो अब स्वतंत्रता दिवस बहुत करीब है और देशभक्ति के जो रंग है वो तो अभी से दिख रहे हैं मैडम सर और उनके पूरी टीम पर, देशभक्ति का खुमार चढ़ा है। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं मैडम सर के देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। आन बान शान सब चली जाए लेकिन तिरंगे की शान कभी न जाए, कुछ ऐसा ही जज्बा नजर आ रहा है हसीना और करिश्मा की पूरी टीम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ नजारा ही कुछ ऐसा है कि आप भी देखकर यही बोलेंगे, आंखों पर तिरंगा बांधकर, हाथों में बंदूक तानकर दुश्मनों को सावधान कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी तरह तैयार है। जान जाए पर वतन न जाए, बस इसी हौसले और प्रण के साथ हसीना की टीम बखूबी जानती है कि जान भले ही चले जाए लेकिन तिरंगा हमेशा लहराता रहे। अब यहाँ पूरी टीम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है जिससे उनको देखने में चलने और में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब रियल लाइफ में चाहे हसीना या उनकी पूरी टीम को परेशानी हो, लेकिन रियल लाइफ में हसीना ने पंगा बहुत भारी पड़ सकता है। और अगर बात देश की हो तो हसीना और उसकी टीम से पंगा लेना दुश्मनों के लिए सच में भारी पड़ सकता है। बॉलीवुड की भोली भाली प्रीति यानी कियारा आडवाणी वैसे तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कियारा की खूबसूरती और मासूमियत के लाखों करोड़ों दीवाने हैं। भले ही कियारा के करियर को थोड़ी देर में उड़ान मिली हो लेकिन आज वो सिनेमा का एक चमकता सितारा जरूर है। वैसे तो कियारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। अब हाल ही में खबरें आ रही हैं कि कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक इस रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ में वक्त बिताते और लंच डेट पर साथ जाते हुए नजर जरूर आते हैं। हाल ही में एक बार फिर कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक साथ स्पॉट किया गया है। दरअसल जल्द ही दोनों फिल्म शेरशाह में नजर आने वाले हैं और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों स्टाफ काफी बिजी भी हैं। और इसी बीच सिद्धार्थ और कियारा ने एक फोटो शूट करवाया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद दोनों के अफेयर की खबरों की अफवाहों पर फिर तेज हो गई है। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि सिद्धार्थ और कियारा कैसे एक दूसरे के साथ दिलकश पोज देते नजर आ रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों को सिद्धार्थ ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है और तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा शेरशाह 12 अगस्त को, और इसके साथ ही उन्होंने कियारा को भी टैग किया है। वहीं कियारा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर की है जिसमें दोनों रूमर्ड कपल एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कियारा के इस वीडियो पर कुछ ही देर में लाखों लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से डेट भी कर रहे हैं, लेकिन कियारा ने पहली बार दोनों की साथ में तस्वीरें शेयर की हैं। अब अगर बात करें वर्क फ्रंट की तो कियारा लास्ट टाइम फिल्म इंदु की जवानी में नजर आई थी और अब वो बहुत जल्द फिल्म भूल भुलैया, शेरशाह, जुग जुग जियो में नजर आने वाली है। लेकिन फैंस शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा को एक साथ देखने के लिए बेताब है। शेरशाह की बात करें तो फिल्म की कहानी कैप्टन विक्रम बात्रा की जिंदगी पर आधारित है और ये फिल्म 12 अगस्त को Amazon Prime Video पर रिलीज होने वाली है। शाका लाका बूम बूम और कोई मिल गया की छोटी सी क्यूट सी वो बच्ची तो आपको याद ही होगी।
एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जिस बच्ची ने हर घर में अपनी अलग पहचान बना ली थी, नाम है हंसिका मोटवानी। देखिए, अक्सर एक्टर एक्ट्रेस अपनी उम्र से छोटा दिखने में लगे रहते हैं, लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने उम्र से बड़ा दिखने की कोशिश की है। 2003 में ये हमें फिल्म कोई मिल गया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आई थी और 2007 आते आते ये एक बड़ी लीड एक्ट्रेस बन चुकी थी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे हंसिका से जुड़ी खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। टीवी का बहुत ही पॉपुलर शो शाकालाका बूम बूम तो आपको याद ही होगा। ये शो उस वक्त बच्चों का सबसे फेवरेट शो हुआ करता था। अब जब ये शो आपको याद है तो इस शो की चाइल्ड आर्टिस्ट हंसिका मोटवानी भी आपको जरूर याद होंगी। वैसे तो इसी शो से हंसिका ने अपना डेब्यू किया था। बॉलीवुड और टीवी की क्यूट एक्ट्रेसेस में से एक हंसिका मोटवानी है। हंसिका मोटवानी का जन्म 1991 में मुंबई में हुआ था और उनके पिता बिजनेसमैन प्रदीप मोटवानी हैं। वैसे तो हंसिका का परिवार बुद्धिज्म को फॉलो करता है, वहीं हंसिका की पढ़ाई लिखाई मुंबई के पोदार इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी सीरियल शाकालाका बूम बूम से की थी और उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर इंडस्ट्री में राज भी किया है। साल 2003 में हंसिका ने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में नजर आई थी। इस फिल्म में हंसिका बाल कलाकार के तौर पर दिखाई दी थी। वैसे तो हंसिका न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी एक जाना माना नाम है। बता दें कि हंसिका ने टीवी के बहुत से सीरियल्स में काम किया हुआ है, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोन परी, करिश्मा का करिश्मा जैसे कई शो में वो नजर आ चुकी है। कई टीवी शो करने के बाद हंसिका ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया है। हंसिका ने निर्देशक पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म देश मुद्रु की और इसके बाद हंसिका की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीं साल 2007 में हंसिका हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में दिखी और इसमें वो बतौर लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आई थी। उस वक्त हंसिका की उम्र केवल 16 साल थी। इस फिल्म में उनका लुक देखकर हर कोई बस हैरान रह गया था, क्योंकि वो फिल्म में अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखाई दे रही थी। कहा ये भी जाता है कि उनके ऐसे लुक के पीछे हार्मोन चेंज इंजेक्शंस थे, क्योंकि हंसिका की माँ एक स्किन स्पेशलिस्ट है। हंसिका के अचानक बड़े दिखने का राज उनका हार्मोनल इंजेक्शन लेना है। हालांकि इस खबर को लेकर अब तक कोई असल सच्चाई सामने नहीं आई है। अब इस बात की असल सच्चाई तो हंसिका ही बता सकती है। फिल्म आपका सुरूर के बाद हंसिका बॉलीवुड में दूसरी फिल्म मनी है तो हनी है में नजर आई थी, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद हंसिका किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। बॉलीवुड में कुछ खास सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने साउथ फिल्मों की ओर अपना रुख कर लिया। फिल्मों के अलावा हंसिका का नाम कंट्रोवर्सी में भी आया। ये उस वक्त की बात है जब हंसिका का बाथरूम MMS लीक हो गया था। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। इस पर हंसिका ने कहा था कि ऐसे वीडियोस रेप से भी ज्यादा बदतर होते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हंसिका के पिता ने उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ को तलाक दे दिया था और विदेश में शिफ्ट हो गए थे। हंसिका का कहना है कि वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी है। हंसिका मोटवानी मुंबई में अपनी माँ के साथ रहती हैं। गौरतलब है कि हंसिका ने अब तक 50 फिल्मों और 7 टीवी शोज में काम किया है। देखिए, स्टार प्लस का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में इस समय दर्शकों का फेवरेट शो है और वहीं ये शो TRP के लिस्ट में भी 5 जगह बनाए हुए हैं। अब हाल ही में आए शो के नए प्रोमो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन ऐसा कौन था प्रोमो में जिसकी वजह से सबका ध्यान प्रोमो की ओर खींच गया? तो आपको बता दें कि इस प्रोमो में बॉलीवुड की उमराव जान यानी कि रेखा दिखाई दी थी। वहीं अब लेटेस्ट खबरों के मुताबिक रेखा को इस प्रोमो के केवल 1 मिनट शूट करने के लिए भारी रकम मिली है। दरअसल जब ये प्रोमो फैंस के बीच आया है तभी से फैंस की एक्साइटमेंट देखी जा रही है। रेखा ने इस प्रोमो में अपनी झलक दिखाकर फैंस की बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है।
वहीं स्टार प्लस ने इस प्रोमो शूट के लिए रेखा को मोटी फीस भी दी है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो प्रोमो में एक मिनट की छोटी सी झलक के लिए बॉलीवुड की मल्लिका इश्क रेखा को लगभग 5 से 7 करोड़ की बड़ी रकम मिली है, जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी रकम है। रेखा का केवल एक मिनट की वीडियो के लिए इतना फीस चार्ज करना वाकई हैरान करने वाला है। हालांकि रेखा ने इस प्रोमो में नजर आने से दर्शकों के बीच शो के लिए एक अलग एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। प्रोमो जबरदस्त है और रेखा उनके अंदाजे बयान ने इसे और भी खास बना दिया है। स्टार प्लस ने भी शो को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए पूरी मेहनत की है। वहीं मेकर्स का कहना है कि इंडस्ट्री में रेखा जैसा स्टारडम हर किसी के पास नहीं है। वो शो के लॉन्च के समय में भी इसका हिस्सा बनी थी और शो का टाइटल बॉलीवुड के सबसे अच्छे गानों में से एक है और इसी गाने की उनके दिल में एक खास जगह भी बना ली है। ये सच में बहुत अमेजिंग है कि वो दूसरे प्रोमो का भी हिस्सा है जो शो में सई और विराट की प्रेम कहानी के बीच परेशानी के बारे में है। बता दें कि इस लेटेस्ट प्रोमो में रेखा की एंट्री किसी नए ट्विस्ट की तरह इशारा कर रही है, जो शो के लीड एक्टर विराट, पत्रलेखा और सई की जिंदगी में आने वाला है। अब जाहिर है कि रेखा की एंट्री इस शो की कहानी में सस्पेंस के साथ साथ एक बस भी क्रिएट कर रही है। गौरतलब है कि शो गुम है किसी के प्यार में के लॉन्च होने के वक्त भी मेकर्स ने प्रोमो जारी किया था, जिसमें रेखा इस सीरियल की कहानी को अपने लफ्जों में बयां करती हुई दिखी थी। वैसे छोटे पर्दे के किसी शो में रेखा की गेस्ट अपीयरिंग नहीं होती है, वो अक्सर किसी न किसी रियलिटी शो में खास मेहमान बनकर पहुंची और सारी महफिल अपने नाम कर लेती है। नंदिनी बेचारी मुसीबतों की मारी, क्या करे, सीरियल के बहू बनना मतलब मुसीबतों को झेलना है। एक के एक बाद एक मुसीबत आती ही रहेगी। पति ने छोड़ा, परिवार ने छोड़ा, अब तो वो विन्नी थी ना, उसने भी छोड़ दिया। अब उसने भी बोल दिया कि मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं तो रहूंगी अब दर्श के साथ। जरा देखिए नंदिनी और विन्नी की ये ढेर सारी बातें। नंदिनी और इनके आंसू तो जैसे साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ एक मुसीबत जाती नहीं तो दूसरी नंदिनी का इंतजार करती रहती है। अभी तो दर्श और उसकी पूरी फैमिली ने तो उसका साथ छोड़ ही दिया था कि अब विन्नी ने भी उसका साथ छोड़ने को कह दिया। अब लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि नंदिनी के ऊपर एक साथ ही सारी मुसीबतें आ गई हैं। विन्नी के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि नंदिनी एक झूठी माँ है, क्योंकि वो विन्नी से बातें छुपाती है और जिसके कारण लालल पालल करने वाली नंदिनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। अब भाई किसी भी माँ के लिए उसके संतान से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। और जब विन्नी अपनी माँ को झूठा बताते हुए उससे दूर होने की बात कर रही है तो नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि दर्श भी नंदिनी को समझता है, लेकिन नंदिनी के आगे दर्श भी मजबूर हो जाता है और विन्नी को घर में रखने के लिए राजी भी हो जाता है। और नंदिनी की परीक्षा अब शुरू हो गई है। अब देखिए इस इम्तिहान से नंदिनी आखिर कब तक इसे छुटकारा मिलता है। इश्क कहिए, मोहब्बत कहिए या प्यार, अगर इस खूबसूरत एहसास में डूबे दो लोगों की कोई तस्वीर या छवि बनानी हो तो कुछ कुछ उसी तस्वीर की जैसी होगी जहां फिल्म मुगले आजम में दुनिया से अनजान सलीम और अनारकली एक दूसरे में गुम है और सलीम बहुत ही नजाकत से एक पंख से अनारकली के चेहरे को ना छूकर भी छूने का वो एहसास। ये क्लासिक सीन लोगों के दिलों और दिमाग में बरसों के बाद भी आज भी दर्ज है। जी हाँ, आज हम आपको अनारकली के सलीम की अनारकली बनने तक के सफर के बारे में बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। में रिलीज हुई मुगले आजम में अनारकली का ये रोल बाद में मधुबाला ने किया, पर इस रोल के लिए दरअसल के आसिफ को कई अनारकलियों से होकर गुजरना पड़ा था। मधुबाला से भी पहले के आसिफ ने इस किरदार के लिए शहनाज नाम की एक महिला को चुना था। अगर किस्मत साथ देती तो मुगले आजम में मधुबाला नहीं अनारकली के तौर पर शहनाज होती। ये कहानी उसी शहनाज की है जो भोपाल के नवाब परिवार में जन्मी
और कम उम्र में एक रसूखदार राजनीतिक परिवार में निकाह उन्हें बॉम्बे ले आया, जहां शुरू हुई उनकी दोहरी जिंदगी। एक बाहरी जिंदगी जो पति के साथ हाई सोसाइटी, ग्लैमर, नेहरू और दिलीप कुमार जैसी हस्तियों और पार्टियों से भरी हुई थी, और एक निजी जिंदगी जिसे उनकी बेटी जिल्लत, पति की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से भरा जहन्नुम बताती है। शहनाज तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सूफी नाज ने मुगले आजम से लेकर निजी जिंदगी के किस्सों को अपनी किताब शहनाज ए ट्रेजिक टू स्टोरी ऑफ रियलिटी ग्लैमर एंड हार्टब्रेक में पिरोया है। इसी दौरान शहनाज ने शौकिया तौर पर थिएटर में काम किया और उन्हें नाटक में अनारकली का रोल करने को मिला। सूफिया बताती हैं, निर्देशक आसिफ उस प्ले को देखने गए थे, बस के आसिफ को लगा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए इसी अनारकली की खोज थी। खूबसूरती, सुरीली आवाज, सटीक लहजा, उर्दू पर कमांड, वो माँ को सेट पर लेकर गए। माँ के पास अपना भोपाली जोड़ा था, अपने जेवर थे, वही पहन के उन्होंने ऑडिशन दिया। कोई 200 तस्वीरें खींची गई थी स्क्रीन टेस्ट के दौरान। पंख के साथ तस्वीर ले गई थी दिलीप कुमार के साथ, लेकिन ये सुंदर सपना बस यहीं तक का था। शहनाज शाही परिवार से थी और जब उनके भाई को ये पता चला कि वो फिल्म में काम करने वाली है, तो उन्होंने के आसिफ से फोटो लेकर फाड़ डाली। सोफी बताती हैं, माँ के भाई ने कहा कि पूरे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक, कहा नवाबी खानदान और कहा फिल्मी दुनिया। वहां से के आसिफ को भगा दिया गया। बेचारे के आसिफ मुगले आजम के अनारकली, जहां सनशाह अकबर और उनके फरमानों को चुनौती दे डालती है, वहीं असल जिंदगी की शहनाज मर्दों के बनाए कायदों और उनके फरमानों में घुटी अनारकली बनते बनते रह गई। खैर, अनारकली की यह दास्ता यही खत्म नहीं होती है। के आसिफ को अपनी अजीबो शान चाहकर मुगले आजम के लिए अपनी अनारकली की तलाश में बरसों लग गए थे। दरअसल मुगले आजम बनाने का ख्वाब के आसिफ के दिमाग में तब आया जब 1944 में उन्होंने ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज का नाटक अनारकली पढ़ा और उन पर इसे बड़े पर्दे में कैद करने का जुनून सवार हो गया। बरसों पहले के आसिफ ने माधुरी पत्रिका में दिए इंटरव्यू में कहा था, मधुबाला मुझसे मिलने आई और कहा कि मुझे मुगले आजम में काम करना है, वालिद साहब की जो शर्तें हैं वो मान ले, करनी तो मुझे है, वे शर्त आप पर लागू नहीं होगी। अब इस तरह शहनाज, नूतन, नरगिस और कुछ और नामों से होती हुई अनारकली की दास्ता मधुबाला पर आकर रुकी और जैसा कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। बेहद बीमार होने के बावजूद जिस खुलूस मोहब्बत, नजाकत और दृढ़ता से मधुबाला ने खुद को अनारकली के अक्स में ढाला, उसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वैसे मधुबाला फिल्मी पर्दे की पहली अनारकली नहीं थी। साल 1922 में आए नाटक के बाद 1928 में द लव्स ऑफ ए मुगल प्रिंस नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें अनारकली का किरदार अभिनेत्री सीता देवी ने निभाया था। ये एक साइलेंट फिल्म थी और अनारकली के सफर की शुरुआत भर थी। बात शुरू हुई थी शहनाज से, जिनके के आसिफ को यूं सारी खूबियां नजर आई थी मधुबाला से भी पहले, पर शहनाज चाहते हुए भी अनारकली नहीं बन पाई। चाहे वो मुगले आजम में अनारकली बनने का मौका हो या फिर शादी के बाद प्रताड़ना भरी उनकी असल जिंदगी, शहनाज की ये कहानी गुमनाम ही रही जब तक कि उनकी बेटी ने किताब की शक्ल में इसे अल्फाज नहीं दिए। आज शहनाज दुनिया को अलविदा कह चुकी है, पर उनकी बेटी उनकी जिंदगी कुछ यूं समेटती है। मैं माँ से कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे उस घुटन को दूर कर दिया जो तुमने ता उम्र सही है। आपकी वो अधूरी कहानी आज मैंने दुनिया से कह दी है। पर्दे के पीछे की ऐसी कितनी ही दास्तानें हर अनारकली के साथ शायद दफन है। नाम है इनका महेश घटामुनेनी, जिन्हें महेश बाबू के नाम से जानते हैं। तेलुगु सिनेमा के जबरदस्त सुपरस्टार महेश बाबू, आज यानी 9 अगस्त को महेश का हैप्पी वाला बर्थडे है। जी हाँ, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि महेश बाबू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। महेश बाबू वो एक्टर हैं जिसने साउथ के सिनेमा को पूरे भारत में फेमस किया है।
आज उनके जन्मदिन के मौके पर आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में महेश बाबू के अनसुनी कहानी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू अपना जन्मदिन 9 अगस्त यानी कि आज मनाते हैं। वैसे तो उनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। महेश बाबू ने चेन्नई के सैंड बेडे एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। महेश बाबू के साथ इसी स्कूल में तमिल एक्टर कार्थी और सूर्या के भाई ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लीड एक्टर के रूप में पहली बार साल 1999 में रिलीज हुई राजा कुमारू फिल्म में काम किया था। उन्होंने राजा कुमारू के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। महेश बाबू फिल्मों के अलावा अपनी पत्नी और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा नम्रता शिरोडकर की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। इन दोनों की शादी को 16 साल पूरे हो चुके हैं। नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। नम्रता पति महेश बाबू से 4 साल बड़ी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कभी भी उम्र की सीमा नहीं आई। नम्रता हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है से अभिनय की दुनिया में अपना कदम रखा था। नम्रता ने साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। वैसे तो नम्रता और महेश बाबू की पहली मुलाकात तेलुगु फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान हुई थी। वैसे तो ये फिल्म 2000 में आई थी। पहली मुलाकात के बाद ही नम्रता और महेश काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। वामसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को भले ही एक दूसरे से प्यार हो गया हो, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी भी मीडिया के सामने कबूल नहीं किया था। यहाँ तक कि महेश बाबू ने नम्रता के साथ अपने रिश्ते के बारे में परिवार को भी नहीं बताया था। महेश बाबू ने अपने और नम्रता के रिश्ते के बारे में सबसे पहले अपनी बहन को बताया था। महेश और नम्रता ने करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद दोनों 10 फरवरी साल 2005 में शादी के बंधन में बंध गए थे। अपनी शादी से पहले नम्रता ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया को छोड़ देंगी, इसलिए उन्होंने शादी से पहले अपने सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर लिए थे। शादी के 1 साल बाद ही नम्रता ने बेटे गौतम को जन्म दिया। वहीं शादी के 3 साल बाद ऐसी खबरें सुनने को मिली थी कि नम्रता और महेश का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं की। इसके बाद नम्रता ने साल 2012 में बेटी सितारा को जन्म दिया। नम्रता और महेश बाबू अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।